एलियन जादू के पीछे था ये एक्टर, फिल्म कोई मिल गया, मैं जादू के मास्क के पीछे था यह चेहरा। कई फिल्में बच्चों के लिए बनाई गई हैं जिनके लिए उनके लिए कुछ विशेष है। ऐसी ही एक फिल्म ऋतिक रोशन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 2003 में बनी बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कोई मिल गया। फिल्म में ऋतिक ने मानसिक रूप से अक्षम लड़के रोहित के चरित्र को चित्रित किया, लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात विदेशी थी जो किसी अन्य ग्रह से आती थी जिसका नाम जादू था। फिल्म जादू के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था और शायद कुछ ही लोग होंगे जो जानते होंगे उस मास्क के पीछे किसका चेहरा था। आज हम आपको बताएंगे कि जादू के मास्क के पीछे इस अभिनेता का चेहरा था। फिल्म में इस आदमी ने जादू के मास्क के पीछे से दर्शकों का मनोरंजन करता था। वो अभिनेता इंद्रवदन पुरोहित थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग के लोगों का फिल्म में बहुत मनोरंजन किया। फिल्म के रिलीज के 11 साल बाद उस व्यक्ति के चेहरे का खुलासा हुआ जिसने फिल्म में जादू की भूमिका निभाई थी। निर्देशक राकेश रोशन ने फिल्म में जादू की भूमिका निभाने वाले इंद्रवदन पुरोहित को हमेशा एक रहस्य रखा था। ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जादू के कपड़े ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। यह कपड़े कलाकार जेम्स कॉलनर द्वारा डिजाइन किया गया था। अभिनेता इंद्रवदन पुरोहित लगभग 50 वर्षों के लिए मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा रहे। इंद्रवदन पुरोहित का 28 सितंबर 2014 में निधन हो गया। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित 2003 की फिल्म में ऋतिक रोशन एक विकासात्मक रूप से विकलांग लड़के रोहित के रूप में थे जो एक अलौकिक प्राणी जादू से दोस्ती करता है। कोई मिल गया वर्ष 2003 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी जिसने 2000 की पहली फिल्म कहो ना प्यार है के बाद अभिनेता के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया जिसे उनके पिता राकेश रोशन ने भी निर्देशित किया था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।